हेलो दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं यहाँ पे नैनीताल के टूर की तरफ, जो कि होने वाला है 2 दिन का सफ़र। और इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कैसा है नैनीताल, क्या क्या जगह आप घूम सकते हैं, क्या आपका बजट रहने वाला है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहुँचते हैं मुरादाबाद, और उसके बाद अगले मॉर्निंग हम निकलते हैं नैनीताल की तरफ। और ये आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्तों के बीचों बीच होते हुए हम जा रहे हैं, पहाड़ों का एक्सपीरियंस करते हुए। बहुत ही मज़ा है, किसी भी सफ़र में पहुँचने पहले उसके डेस्टिनेशन का बहुत मज़ा है, ये बात बिल्कुल सच कही गई है। और यहाँ के रोड्स भी काफ़ी वैसे है, अगर आप पर्सनल कार से आ रहे हैं तो, अगर आप प्रो ड्राइवर हैं तभी आप कोशिश करें ऐसी रोड पर गाड़ी चलाने का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक थोड़ा रेस्टोरेंट में हम रुके हैं, थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं इस रेस्टोरेंट के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं, ऐसे व्यूज़ आपको किसी भी व्यू पॉइंट जाने से ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। आप देखते हैं कितना प्यारा व्यू है इस रेस्टोरेंट से सीधा यहाँ पे, और बीच बीच बना हुआ है पहाड़ों के, तो यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। ठीक है, अब हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे सीधा माल रोड। अब देखते हैं नैनीताल का माल रोड, जो हमारा होटल होने वाला है वो भी हमारा सीधा माल रोड में ही है होटल, तो यहीं पर हम स्टे करने वाले हैं। होटल का नाम है हमारा होटल नैनी विज़न, तो ये बहुत ही अच्छा आप देखते हैं होटल है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसा है इसके रूम। तो हमने यहाँ पे 2 रूम लिए, एक कपल शेयरिंग रूम लिया है, एक हमने लिया है फैमिली शेयरिंग रूम। तो पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कपल शेयरिंग रूम कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी एंट्री है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये बेड पड़ा हुआ है। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ बालकनी कैसी है इसकी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है लेक व्यू मिल जाएगा सीधा इसकी बालकनी से। ठीक है, और यहाँ पे आप उसके देखते हैं वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। और ये हमारा फैमिली शेयरिंग रूम है, जिसमें कि देखिए 2 बेड पड़े हैं, और यहाँ पे आपको भी सेम बालकनी भी मिल जाएगा। ये जो है रूम नंबर है 3 एंड 4 रूम नंबर है, जो कि एक साथ ही थे। और यहाँ पे आपको जो है लेक भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा होटल यहाँ से रूम में जो है तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, इन रूम का जो रेंट है फैमिली शेयरिंग का जो रेंट है वो 2500 है, और जो कपल शेयरिंग का रेंट है वो है 2000। 7 बजने वाले हैं और अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। हम निकल चुके हैं, काफ़ी ठंड है यहाँ पर। ये हम ले लेते हैं नाइट एक्सपीरियंस नैनीताल में और जगमगाता नैनीताल। और देख सकते हैं यहाँ पे आपके बाइक वगैरह की भी सर्विसेज काफ़ी चलती है, और काफ़ी कुछ आप इसमें नैनीताल में और एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि पैराग्लाइडिंग वगैरह भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पर आप आर्मी के जो रेस्ट हाउसेज बने होते हैं यहाँ पर, आपको काफ़ी ये जो है सस्ता पड़ता है नॉर्मली होटल्स के कंपेरिजन में। अगर आप डिफेंस में तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, और यहाँ पर हो चुके हैं सुबह नैनीताल में। और ये देख सकते हैं खिड़की के सामने बिल्कुल हमारा बंदर बैठा है, सुबह सुबह बंदर के दर्शन। और हम देख लेते हैं बाहर के व्यूज़ कैसे नैनीताल के, जो है नैनीताल का व्यू। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे जो है लेक जो है बोटिंग स्टार्ट हो जाती है, सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और हमने अब टैक्सी बुक की है जो है घूमने के लिए, जो कि उन्होंने हमें बोला 11 पॉइंट दिखाने के लिए, और ये हमें पड़ी है 1500 की। उन्होंने 1600 बोला था, हमने 1500 में रेडी की है। और आपको जो है अगर आप छोटी गाड़ी देते हैं ऑल्टो लाइक, तो वो आपको जो है यहाँ पे 1100 में भी पड़ जाती है। तो हम अपनी पहली लोकेशन को पहुंच चुके हैं, जो कि है इको केव पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्चुअली यहाँ पर ना बहुत सारी केव्स बनी हुई हैं, मतलब यहाँ 10 से 11 यहाँ पे केव है अलग अलग जानवर्स के नाम पर, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ की जो टिकट रहती है एडल्ट की 100 रुपीज़ और चाइल्ड की 60 रुपीज़, ये इसका आसपास का एरिया है। तो हम फाइनली अब एंटर करते हैं इको केव पार्क के अंदर। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है हमें देखने को मिलती है बुल राइड का, जो टिकट प्राइस है वो है 100 रुपीज़, और जब अगर आप नीचे गिर जाओगे तो वो 100 रुपीज़ का टिकट जो है ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने फर्स्ट टाइम बुल राइड की वैसे। तो गाइस आप सुन सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से, और ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे स्पीकर लगा रखे हैं जो भी गुफाएँ हैं उनके एनिमल्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की कुछ केव्स हैं, और यहाँ पर आप जो है थोड़ा अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, थोड़ा सा आपको मज़ा आता है ऐसी एक्टिविटीज़ में, जब पे फिज़िकल आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अवॉइड करें, अगर अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं उनको डेफिनेटली मज़ा नहीं आने वाला इसमें। तो मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो वो तो आउट हो गए इससे। और मेरे को मज़ा आ रहा, तो मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो है केव्स एक्सपीरियंस करी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक्सपीरियंस करके। ये केव निकल रहा है, तो मैं अंदर गया नहीं। अरे मैं डर गया। लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट कहा जाता है,
ऐसी कुछ कहानी इसके पीछे की किस कपल थे उन्होंने जो है यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। तभी इसको ना हम लवर्स पॉइंट बोलते हैं और सुसाइड पॉइंट बोलते हैं, थोड़ा सा ये फेमस है ये व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो है शॉपिंग वाली चीज़ें मिल जाएंगी और जो है यहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, अच्छा व्यू आपको मिलेगा बैकग्राउंड में। तो जब आप लवर्स पॉइंट देखेंगे उसके बाद आपको सामने ही दिखेगा जहाँ पे आप जो है घोड़े वगैरह आपको दिखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना ट्रैकिंग है, मतलब घोड़े पे आपको आधा घंटे के अराउंड वो ट्रैक करवाते हैं 40 मिनट के अराउंड, और उसका जो वो चार्ज करते हैं कुछ अभी जो ऑफ सीजन में जो अभी उनका टिकट प्राइस है वो है 420 रुपीज़। तो अब हम अपने पहुँच चुके हैं दूसरी लोकेशन पर जो है वाटरफॉल, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है UTDC की शॉप है जो कि माने जाते हैं काफ़ी ओरिजिनल, मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी ऑर्गेनिक सामान मिलता है, काफ़ी ओरिजिनल होता है, ये कहीं और नहीं मिलते हैं। और बाकी हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसका जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ का है, और यहाँ पे जो है जो सीनियर सिटीजन होते हैं जो कि 60 से ऊपर है उनके लिए जो है वो टिकट प्राइस नहीं लगता है, वो ऑफ होता है। तो जैसे कि अभी हम आए हैं ऑफ सीजन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम रश है, तो आप जो है अच्छे से जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये है वाटरफॉल। अब ये वाटरफॉल मतलब ओके है, मुझे बहुत ज़्यादा खास लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसके लिए आप यहाँ आओ, बट ठीक है आप अगर आप घूमने आए हैं तो ये आप कुछ जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बस यहाँ पे ऐसे खाई में बस गिर जाती है, और आगे आप देखते हैं ये कहीं खाई से गिर के आई होगी बस, और इस तरह से यहाँ पे बीच में फंसी हुई है। तो गाइस अब जो हमारा तीसरा लोकेशन है वो है हमारा लेक व्यू पॉइंट। हम पहुंच चुके हैं लेक व्यू पॉइंट पे, यहाँ से आप काफ़ी अच्छी सुंदर फोटोज ले सकते हैं। और यहीं पे एक और पॉइंट है जो कि है मनसा देवी, तो वो थोड़ा आगे जाके है, तो इसको जो हमारे ड्राइवर साहब उसको दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, बट ठीक है हम कर लेते हैं। तो ये तीसरा चौथा लोकेशन हमारा हो गया है जो कि है लेक व्यू पॉइंट, और ये है मनसा देवी का मंदिर। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं माता के, और यहाँ पर साइड में ही आप देखेंगे थोड़ा सा छोटा सा भैरव देवी का मंदिर है, तो वो भी आप जो है दर्शन कर सकते हैं। और जगह अच्छी है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आप क्लिक कर सकते हैं। टैक्सी वाले ने हमें जो है 1500 रुपये में कुछ 6 से 7 पॉइंट दिखाए, मतलब वर्थ इट नहीं तो 1500 रुपये, बट ठीक है घूमने आ रहे तो इतना चलता है। यहाँ पे ना गाड़ी चलती रहती है टैक्सी, अभी हमें बोल रहे 370 पर हेड है, जिसमें वो हमें 3-4 पॉइंट और दिखाने के लिए कह रहे थे, बट वो आपके ऊपर आप देखना चाहते हैं जाते हैं। यहाँ पे हम रोप वे चढ़ रहे हैं, आपको टिकट दिखाता हूँ रोप वे की क्या है। ठीक है, तो रोप वे की जो टिकट है वो अडल्ट की है 370 रुपीज़, और जो चाइल्ड की है वो है 270 रुपीज़। इसमें एज भी लिखी हुई है, और यहाँ पे जो है आप 1 घंटे तक आपको टाइम दिया जाता है रुकने का, उसे हम बोलते हैं स्नो व्यू पॉइंट। ठीक है, रोप वे के जो ऊपर जाता है वो है स्नो व्यू पॉइंट, और यहाँ पे काफ़ी सारी आपको गेम एक्टिविटीज दिख रही है, बुल राइड, बॉलिंग और बहुत सारी गेम्स यहाँ पे एक्टिविटीज़ है। तो अभी तो पूरा ये खाली पड़ा है ऑक्सीजन की वजह से, तो आप यही भी आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रोवे की टिकट लेने के लिए, और यहाँ पे जो है इतनी ठंड में थोड़ी सी अगर हमें आग मिल जाती है तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम फाइनली जो है रोवे हमें एंटर कर रहे हैं। एक टाइम पे ये 12 लोग लेके जाते हैं रोवे के अंदर, और आप देख सकते हैं नज़ारे। हालांकि जो मुझे मैंने जैसा सोचा था मेरे वैसा एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसा तो मुझे नहीं फील हुआ, बट ठीक है ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। और अब हम सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं, तो मिलते हैं सीधा ऊपर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, और आप देखते हैं ये है हमारा स्नो व्यू पॉइंट। ठीक है, आप हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे सेम वही कार राइड्स हैं, यहाँ पे कोई शॉपिंग के लिए चीज़ें हैं, तो शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और हर जगह की अपनी कुछ खासियत होती है। वो शॉपिंग करी इसके हम फाइनली यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। अरे ये क्या है, अरे क्या है, क्या दिक्कत हो रही है, कुछ कट गया अपना पता नहीं क्यों, कुछ है नहीं यहाँ पे वैसे। ओह अच्छा, नाइस। तो जैसे कि भैया बता रहे हैं अभी यहाँ पे एक शो होने वाला है, ठीक है देखते हैं कैसा शो होने वाला है। ठीक है, तो जो रोप से आ रहे हैं उनके लिए ये फ्री होता है, बाकी यहाँ पे टिकट होती है अगर जो रोप से नहीं आए हैं। तो अगर ये देख सकते हैं जिंदा है, ओके जिंदा है। इन्हें खा लो। अभी मेरे पुराने वाले
गाइस हमने एक्सपीरियंस किया ये डांसर का, और हमें ये शो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के था, लगा नहीं था ऐसा हो जाएगा, सच में थोड़ी सी डर गए थे, तो ठीक है अच्छा था ये। और अगर आप रोप वे के आप टिकट लेके आ रहे हैं तो आपके लिए फ्री है, अगर आप रोप वे के बिना आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है टिकट प्राइस 70 रुपीज़ का आपको टिकट प्राइस पे करना पड़ेगा शो को देखने के लिए। और आप अगर नीचे उतरेंगे तो आपको यहाँ पे जो है अच्छा सा रेस्टोरेंट भी दिखेगा जहाँ पे आप जो भी है खा सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग आए हैं नीचे, एकदम नीचे से, इतने नीचे से रोप वे आती है, यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज है ये, इसे हम बोलते हैं स्नो व्यू पॉइंट। तो आज के दिन का जो हम लास्ट जो हम करने वाले हैं वो है बोटिंग, और हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ। सो यहाँ से हम फाइनली बोट बुक कर चुके हैं। मैं आपको बताया था यहाँ पे क्या रेट होता है, अभी यहाँ पे जो रेट है वो है 320 रुपये छोटे चक्कर का, जो कि 20 से 25 मिनट होती है, और एक बड़ा चक्कर का जो है वो है 420 रुपये जो 45 से 40 मिनट होती है। और यहाँ पे एक बोट में 3 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 बोटें करी है, एक कपल के लिए, एक हम 3 लोग बैठने वाले हैं। अब वो दिखाता हूँ बोट कैसी है। Hi, bye. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? सो फाइनली गाइस आज का डे 2 ख़त्म हुआ, हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, और अभी हम हैं मॉल रोड पे, यहाँ पे हम कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं कि हाँ वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हमने आज जो है कवर किए 6 से 7 पॉइंट, और इसमें एक हमारा ज़ोर रह गया क्योंकि शायद उस दिन थर्सडे का दिन था और थर्सडे वाले दिन जो है वो बंद रहता है, और इसके अलावा हमने मोस्टली सब कुछ कवर किया जो भी हो सकता था। और इसमें आपको बोलना चाहूँगा कि कल हम कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग जू जाने की, अगर मैं आपको दिखा पाया, और अगर नहीं हो पाया तो ठीक है, कल इस जो है ब्लॉग को हम एंड करेंगे। तो ठीक है गाइस, यहाँ शॉपिंग भी कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग। सो गाइस हो चुके हैं सुबह, आज हम निकलेंगे वापस। दिखा देता हूँ सुबह का सीन, बड़ा अच्छा सीन है यहाँ पे, बालकनी से दिखा देता हूँ, पहाड़ों पर धूप आ चुकी है। सुबह 9 बजे सुबह 9:30 बजे सुबह 11 बजे सुबह फाइनली हम चेकआउट करने वाले हैं, जो कि 10 बजे चेकआउट होता है, नहीं तो किसी का होटल में रुकेंगे। यहाँ पर जो है 10 बजे चेकआउट है, 11 बजे चेक इन होता है। होटल नैनी विजन काफ़ी अच्छा स्टे था हमारे यहाँ के अंदर। दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं सीधा यहाँ से, हम जू का प्लान जो है कैंसिल हो गया क्योंकि हम नीचे आ गए थे ऊपर तक, वहाँ पे प्राइवेट गाड़ी जाती भी नहीं, तो हमने सोचा कैंसिल रहने देते। तो ठीक है गाइस, अंत करते हैं इस ब्लॉग का इन खूबसूरत पहाड़ियों के साथ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप नैनीताल आने के सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी ब्लॉग के माध्यम से कि आप कहाँ कहाँ टूर कर सकते हैं, क्या क्या व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं, कैसे नैनीताल में आप जो है टूर कर सकते हैं, क्या आपका बजट आ सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।